भोपाल में पैंट बाजार से तकादा वसूली कर वापस लौट रहे खल व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारकर पौने 2 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने पहले व्यापारी की बाइक में लात मारी, फिर व्यापारी को गोली मारी और अपना मकसद पूरा कर भाग जाने में कामयाब रहे। भाजपा विधायक अजीत यादव की बाजार से लौटते समय व्यापारियों के साथ लूट की ये 5वीं वारदात है। गुन्नौर कोतवाली के कस्बा बबराला निवासी खल व्यापारी विवेक वाषण ने प्रत्येक सप्ताह की तरह शनिवार को भी बदायूं रोड पर लगने वाली जुनावई की साप्ताहिक बाजार से तगादा वसूली कर 1,85,000 की रकम लेकर वापस देर शाम अपनी बाइक से लौट रहा था। तभी सेंजना गांव के निकट पीछे से आए अपाचे सवार बदमाशों ने गोली मारकर खल व्यापारी की बाइक गिरा दी और उसके बैग में रखी 1,85,000 की रकम लूटकर फरार हो गए। लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल व्यापारी को पुलिस ने तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई। गुन्नौर कोतवाली के गांव सेंजना के निकट इसी स्थान पर 5वीं घटना है, लेकिन अभी तक कोतवाली पुलिस किसी भी लूट की घटना के बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिससे व्यापारियों में भय का माहौल है। लेकिन कोतवाली पुलिस लूट की घटना को दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लेती है और कोई खुलासा नहीं कर पाती, जबकि यह साप्ताहिक बाजार जनपद की काफी मशहूर बाजारों में गिनी जाती है, जहां पर दूसरे जनपदों से भी लोग पशुओं की खरीदारी करने आते हैं। गोली लगी है, क्या मामला है? ये एवरी सैटरडे जुनावी की तरफ जाते थे पेमेंट लेने। अब क्या हुआ इस बीच मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ से आते समय कुछ बदमाशों ने इनके पैरों में गोली मार दी। ऐसा 1,85,000 के आसपास है। अब कहाँ भेजा हुआ? डॉक्टर साहब, जैसे अभी यहाँ पर एक व्यापारी को गोली मारने की सूचना मिली है, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी जो है वो पुलिस थाना गुन्नौर की पुलिस किसी व्यापारी को यहाँ पर लेकर आई, विवेक नाम के किसी व्यापारी को, और ऐसा सुना गया कि उनको गोली मार दिया। और हमने जो है प्राथमिक उपचार करने के बाद उनको तत्काल जो है वो 108 एम्बुलेंस से JNMC मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया है, क्योंकि आगे का जो मेडिकल है या आगे की जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है सारे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के में किए जाएंगे, उसके बाद ही कुछ स्थिति साफ हो पाएगी।